गाइस आप सबों को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूं मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, वहां पे महादेव जी को जल चढ़ाएंगे और वहां पे मेला भी लगता है गाइस, बहुत ही भव्य मेला लगता है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए गाइस, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो सचमुच गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस अब मेला पहुंच चुके हैं और यहां से थोड़ा दूर और आगे चलना होगा दोस्तों। तो यहां पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा गाड़ी आया है कि इधर थोड़ा मेला से कुछ दूर पर ही गाड़ी सबको लगाया जा रहा है। और चलिए चलते हैं दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए कितना भीड़ भाड़ है मेला में गाइस, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है गाइस। और यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर गाड़ी सब लग रहा है। ये जिलेबी का मामा लीजिए, रसगुल्ला का पापा लीजिए। देखिए पीछे भी कितना ज़्यादा भीड़ है गाइस। तो अभी रास्ते में है, अभी मेला चलिए, तब फिर वहाँ से आप भीड़ देखिएगा। इतना भीड़ है गाइस कि देखने लायक बनता है। और सचमुच मेला है तो भीड़ तो होना ही चाहिए गाइस, क्योंकि लोगों का भीड़ ही तो मेला कहलाता है। तो बहुत अच्छा, बने रहिए और चलिए चलते हैं गाइस। गाइस भीड़ इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताएं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, यहाँ से भीड़ शुरू हो रहा है, अब देखते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, लाइन से चलना पड़ता है सबको, और ये सही भी है गाइस, कतार से हम चलेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो गाइस अब फाइनली महादेव जी का मंदिर दिखाई देने लगा है, तो चलते हैं। और यहाँ देखिए भीड़ दोस्तों, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताएं गाइस, भीड़ देखने लायक है। यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए लोगों का भीड़ लगा हुआ है दोस्तों, प्रांगण में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे श्रद्धालुओं का इतना ज़्यादा भीड़ लगा है दोस्तों, आप लोग ये नज़ारा देखिए, काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, भक्तों का पता लगा हुआ है। और मुझे भी जल चढ़ाना है, तो देखते हैं मैं कहाँ लाइन में लगता हूँ। तो बस यहाँ आकर के सब बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ पे महाकाल के भक्तों का तांता लगा हुआ है जल चढ़ाने के लिए महादेव जी को, काफ़ी लंबी कतार है गाइस। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, भक्तों की तांता इतना लंबा है कि क्या बताएं, क्योंकि महाकाल के भक्त ही इतने हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताएं, आप लोग देख रहे हैं महाकाल के भक्तों का कोई सीमा नहीं है दोस्तों। महाकाल का असंख्य भक्त है, बेशुमार भक्त है, जो आप देख सकते हैं महाकाल के भक्तों का कितनी ज़्यादा तादाद में भक्त आए हैं, कितनी ज़्यादा तादाद में भक्त आए हैं क्या बताएं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ा हुआ है भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों महाकाल के भक्तों की संख्या का कोई सीमा नहीं है दोस्तों, महाकाल के असंख्य भक्त हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है जल चढ़ाने के लिए महादेव जी को, चलते हैं महादेव जी को और जल अर्पण करते हैं। आशीर्वाद।
हर हर महादेव। इसमें महादेव जी को जल चढ़ा दिया और यहाँ का ये नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कमाल का, बहुत ही भव्य है महादेव जी का मंदिर का और महादेव जी के दरबार में भक्तों का ये नज़ारा देखने योग्य है दोस्तों। यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है और इतने तादाद में भक्त आए हैं कि महादेव के भक्तों की कोई गिनती नहीं है दोस्तों। महादेव जी की कृपा सब पे बनी रहे, अपने भक्तों के ऊपर बनी रहे और महादेव के भक्तों का हमेशा कल्याण होता रहे और अंत में महादेव के भक्त महादेव जी के धाम को पहुँचे। हर हर महादेव।